नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सत्ता के सबसे बड़े संग्राम के लिए बिगुल बजने वाला है। 13 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग 7 से 8 चरणों में मतदान की घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक आयोग आम चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए कई राज्यों का दौरा कर रहा है। एक बार ये दौरे पूरे हो जाए उसके बाद तारीखों का ऐलान किया जाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी अभी तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर का दौरा किया जाएगा। राज्य का दौरा 13 मार्च से पहले पूरा होने वाला है। आयोग पिछले कुछ महीनों से तैयारियों का आकलन करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने समस्या वाले क्षेत्रों, ईवीएम की आवाजाही, सुरक्षा बलों की उनकी जरूरत, सीमाओं पर कड़ी निगरानी का आकलन किया है। इलेक्शन कमीशन इस साल चुनावों के सुचारू रूप से संचालन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की योजना भी बना रहा है। तो पूरी जानकारी टीवी स्क्रीन पर भी आपको मिल रही है ग्राफिक्स के जरिए। 2019 में कब हुए थे चुनाव? 11 मार्च 2019 को तारीख की घोषणा हुई थी और अब 13 मार्च के बाद कभी भी ऐलान किया जा सकता है। चुनाव आयोग जल्द ही करेगा घोषणा, भी सभी राज्यों का दौरा कर रहा है। चौथा चरण 29 अप्रैल 2019 को हुआ था। पहला चरण कब हुआ था वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस बार चुनाव आयोग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी कर सकता है सही तरीके से चुनाव संपन्न कराने में। और महासंग्राम का बिगुल 13 मार्च के बाद कभी भी बज सकता है। तो बजने वाला है महासंग्राम का बिगुल। चुनाव आयोग जल्द ही करेगा घोषणा। 13 मार्च के बाद कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। 7 से 8 चरणों में वोटिंग हो सकती है। तो राज्यों का दौरा भी आयोग की टीम कर रही है और एक बार ये दौरे कंप्लीट हो जाए उसके बाद चुनाव आयोग घोषणा कर देगा कि कब चुनाव होंगे और 7 से 8 फेज में चुनाव होंगे। 13 मार्च के बाद की तारीखों में कभी भी ऐलान हो सकता है। अगर 2019 के चुनाव की बात करें, 2019 के चुनावों में 11 मार्च के बाद तारीखों का ऐलान हुआ था और अब 13 मार्च के बाद हो सकता है। तो 11 अप्रैल से 19 मई तक 2019 में चुनाव हुए थे 17वीं लोकसभा के लिए और 23 मई को नतीजे यानी कि काउंटिंग हुई थी। सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही आकाश हमारे सहयोगी भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। सुशील, पहले मैं आपका रुख करूंगी और अब ये जानकारी मिल रही है कि 13 मार्च के बाद कभी भी चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बजा सकता है यानी कि तारीखें अनाउंस कर सकता है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से चुनाव आयोग की तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। मार्च के पहले हफ्ते में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनकी टीम पश्चिम बंगाल राज्य का दौरा करेगी और उसके बाद 13 मार्च को चुनाव आयोग जो चुनावी बिगुल की आप बात कर रही हैं उसका आगाज अपनी तरफ से कर देगा। 13 मार्च के बाद चुनाव आयोग ने संभावित तारीख की जो घोषणा है वो फिलहाल अपनी तरफ से घोषित करने के लिए जो संकेत है वो दे दिए हैं। हालांकि चुनाव आयोग की परसों एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें तमाम राज्यों के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उस पूरी बैठक को ज्वाइन किया था, जिसमें तमाम राज्यों के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर वोटरों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती और साथ ही साथ तमाम जो जिले के डीएम हैं और एसपी हैं उनसे भी फिलहाल मुख्य चुनाव आयोग की बैठक हो चुकी है। तो लगभग जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अतिरिक्त जो जवान हैं यानी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी भी मांग कर ली गई है। तो लगभग तैयारियां चुनाव आयोग की पूरी हो गई हैं। इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी कर सकता है चुनाव आयोग?
जी देखिए, साफ तौर से न केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बल्कि तमाम जो अभी के टेक्नोलॉजीज हैं उनके आधार पर ही चुनाव आयोग आगे बढ़ेगा। हाल ही में उपचुनाव जो हुए हैं उनमें आपने देखा ही होगा कि किस तरह चुनाव आयोग ने तमाम बड़ी स्क्रीन को अपने साथ जोड़ के दिल्ली में बैठकर उन्होंने बिहार के उपचुनाव को मॉनिटर किया और साथ ही साथ तमाम जो तय समय का जो पोलिंग परसेंटेज था वो समय दर समय ये वहां के जिलाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो लोकसभा चुनाव बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं कि कभी भी 13 मार्च के बाद तारीखें अनाउंस हो सकती हैं। तैयारियां कैसी हैं राज्यों में ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, आकाश रायपुर से जुड़े हुए हैं और शैलेंद्र भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशीला बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। आकाश, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। यहां पर बात करें तो अब जिस तरह से साफ हो गया कि 13 मार्च के बाद डेट्स अनाउंस हो जाएंगी, तो क्या तैयारियां आपको नजर आ रही हैं प्रदेश के अंदर? छत्तीसगढ़ में जो 11 लोकसभा सीटें हैं उसको तमाम सीटों को जीतने का लक्ष्य है जो भाजपा ने रखा है, उसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही है। पिछले दिनों गांव चलो अभियान और जनसंपर्क अभियान के थ्रू लोगों से जुड़ने का भाजपा ने एक अभियान चलाया था। अभी कल ही अमित शाह की एक बड़ी सभा जांजगीर चांपा में हुई है। इसके साथ ही आगामी दिनों में भी राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की सभा होने वाली, कल चुनाव समिति की बैठक है भाजपा की, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव शामिल होने वाले, इसके साथ ही जो दोनों डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के वो शामिल होने वाले हैं। संभवतः पहली सूची जो है ये माह के अंतिम तारीखों में ये आ सकती है, किसी भी समय ये सूची जारी हो सकती है। पहले चरण में 5 से 6 सीटों पर ये प्रत्याशी का ऐलान करेगी भाजपा, इसके बाद जो अन्य सीटों पे उस पे तो ये तमाम चर्चाएं अभी चल रही है। केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ संगठन से, भाजपा संगठन से रिपोर्ट मांगी है कि किसको चुनाव लड़ाया जाए, किसको नहीं लड़ाया जाए, और सभी जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आवेदन दिए हैं उनका एक फीडबैक मंगाया जा रहा है, तो इस पर निर्णय भी जल्द आने वाला है। जी बिल्कुल, और शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आप बताएं वहां पर जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं सियासी गहमा गहमी, लक्ष्य साधा हुआ है, जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं है बीजेपी को? देखिए बिल्कुल अपर्णा, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के लिहाज से मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। निर्वाचन जो अंतिम सूची प्रकाशन था मतदाताओं की वो कर दिया गया है, ताकि राजनीतिक दल को ये पता रहे कि आखिरी तारीख तक कितने कुल नए मतदाता जोड़े गए हैं और कितने मतदाताओं को हटाया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें तो सभी कलेक्टरों की जो जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर आने वाले समय में काम करेंगे उन सबकी दिल्ली में बाकायदा ट्रेनिंग भी हो चुकी है, और उसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी लगातार ट्रेनिंगों का दौर है। जो अधिकारी कर्मचारी जो लगातार चुनाव की जिम्मेदारी संभालेंगे उन सबकी भी ट्रेनिंग आयोजित कराई जा रही है। रही बात राजनीतिक दलों की, अगर तैयारियों की बात करूं तो मध्य प्रदेश की जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आ रही है। जिस तरीके से तमाम जो राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद तमाम जो बैठकें यहां पर आयोजित की गई और उसके बाद अब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं 25 तारीख को, वह ग्वालियर में क्लस्टर प्रभारियों की बैठक करेंगे। 29 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 500 से अधिक गांवों में वर्चुअली जुड़ेंगे। जिस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई थी उसी तरीके से मध्य प्रदेश विकसित संकल्प यात्रा वो शुरू करने जा रही है। अगर बात कांग्रेस की तरफ करते हैं तो जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी मध्य प्रदेश में 2 मार्च को आने वाली है, तो उसकी तैयारियों में पूरी कांग्रेस जुटी हुई है। गांव गांव जा रही है, जिस इलाकों से होकर गुजरना है वहां पर बड़े नेता दौरा कर रहे हैं। तो ये माना जाए कि न केवल निर्वाचन आयोग बल्कि जो राजनीतिक दल हैं वो भी पूरी तैयारियां कर चुके हैं। अब केवल इंतजार है जब निर्वाचन आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, और उम्मीद है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तारीखों के ऐलान के पहले अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था, तो इस बार भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो लोकसभा की तारीखों का ऐलान जो माना जा रहा है कि 13 मार्च के बाद हो सकता है, उसके पहले बीजेपी अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। हालांकि कांग्रेस आगे अभी अपडेट आप लेते रहेंगे।